नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आप लोग ने बहुत ऐसा सुना रहेगा एआई ये काम कर सकता है, एआई वो काम कर सकता है, एआई ऐसा होता है, एआई ये करता है, एआई ऐसा काम करेगा, एआई आगे चल के ऐसा काम करेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये कैसे काम करता है, एआई का फायदा आप कैसे उठा सकते हो। एआई में बहुत सारे पेड भी है एआई, बहुत सारे फ्री भी एआई है, तो उसका हम लोग फायदा कैसे उठा सकते हैं, एआई है क्या, एआई को हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये सारी चीजों को हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में जाने वाले। याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एआई, एआई क्या है। सो मैं एकदम बेसिक ढंग से बताता हूं, ठीक है। मैं हम लोग क्या है, एक ह्यूमन है, एक इंसान है। इंसान की खासियत क्या है, इंसान के पास दिमाग रहता है, बराबर है। प्लस ये जो चाहे वो मर्जी से काम कर सकता है। अभी जैसे कि मैं सुबह उठ के समझो वॉकिंग करने गया, घर पे आने का स्नान किया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि खाना बनाया, उसके बाद ऑफिस में, ऑफिस में मैंने कुछ पढ़ा, आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने ऑफिस का कुछ फाइलिंग का काम किया, उसके बाद मैंने सीए के पास गया, सीए के पास अकाउंटिंग का काम किया। मेरा स्ट्रीम से एकदम अलग है, मतलब मल्टीटास्किंग काम करते हैं हम लोग। जैसे मैं कर रहा हूं वैसा आप भी करते रहेंगे, मल्टी मतलब सुबह से रात तक, जब भी आप सुबह उठे और रात को सो गए उस बीच में काम देखो, मल्टीटास्किंग काम है, बराबर है। ये ह्यूमन की खासियत है, ह्यूमन सोचता भी है, उसको इंप्लीमेंट भी करता है और आसानी से भी कर सकता है। हाँ, इसकी कंप्यूटेशनल पावर यानी कि अगर मैं बोलूं कि क्षमता थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, चलो वो देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रहता है, मानो जो देख देख के हर चीज को पढ़ता है, हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, स्पेसिफिक चीज को ही देखेगा और उसको ही पढ़ने की शुरुआत करेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, हमारे सिटीज में, शहरों में जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कैमरा लगे हुए रहते हैं, करेक्ट, वो कैमरा क्या काम करते हैं, वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में उसको जोड़ दिया गया है। यानी करेंगे क्या, वो कैमरा रस्ते पे आने वाली जाने वाली जो गाड़ियां रहती है उनका बिहेवियर रहता है गाड़ियों का, हर चीज को स्टडी कर रहा है। एक बार बहुत सारी स्टडी, उसका डेटा आ गया, डेटा मतलब खाली गैदर कर रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके खुद कुछ सीखता है और उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करता है। लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ये हर चीज नहीं कर सकता। तो यहां पे एक हमारे और एआई के बीच में डिफरेंस है। बाकी हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो रोज सीखते हैं वो इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वैसा एआई भी करता है और आगे और अच्छा भी करेगा, लेकिन मल्टीटास्किंग के मामले में वो फेल हो जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी वो ह्यूमन के जैसा ही काम करे, मल्टीटास्किंग काम करे, लेकिन फिलहाल के लिए देर है। हालांकि एआई के अंदर भी बहुत सारी फील्ड है, मतलब कंप्यूटर साइंस में फिर ये होता है, वो होता है, मशीन लर्निंग, ये वो बहुत सारी चीज है, उसके तामझाम में मैं फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं कि एआई क्या है। अभी बात करते हैं आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करना ना बहुत ही सिंपल है, ओके। बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारी कंपनियां जो खुद के एआई ने एआई बनाए हुए उसको वेबसाइट के माध्यम से हमको देते हैं, हम इसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं या मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, या लेकिन मुझे प्रॉब्लम है एयर कंडीशन का, वो तो मेरा कोई वास्ता नहीं आता, मुझे मालूम ही नहीं, या तो मुझे उसके बारे में सीखना पड़ेगा, बाद में उसको रिपेयर कर पाऊंगा, लेकिन एआई हमारी मदद कर सकता है। एआई को मैं बता दूंगा कि भाई मेरे एयर कंडीशन में ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन बताओ, तो वो 10-15 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही झटके उनको दे देगा। तो एआई हमारे लिए ये काम कर सकता है। कैसे, चलो ये तो मैंने एक काम बता दिया, इसके अलावा समझो मैं एक्सेल की बात करो, एडवांस एक्सेल हम लोग बोलते हैं ना, एक्सेल में हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं, बराबर। मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाए, मैं टाइप कर देना मैं डू फॉर्मूला, वो भी कर सकते हैं। मैं हिंदी में लिखूं और वो समझ जाए, अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करे, वैसा भी कर सकते हैं। अगर मैं समझो कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाना है, मुझे पीपीटी की स्लाइड्स बनानी है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खाली बता दूंगा इस चैट जीपीटी पे कि भाई मैं इस टॉपिक पे पीपीटी बनाना चाहता हूं, आप मुझे बना के दे दो, मतलब उसका कंटेंट दे दो, ये कंटेंट दे देगा, फिर दूसरी एक वेबसाइट है वहां पे जाके हम लोग डायरेक्ट पीपीटी की डिजाइन के साथ में ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये सब चीजें हमारा काम आसान करने के लिए जो एआई है वो हमारे लिए कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल हमारे लिए ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मैंने बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट बताई, इसके अलावा अगर समझो मैं मेरे कंपनी के 15-20 पेज के डॉक्यूमेंट्स है,
मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्या करूंगा एआई को दे दूंगा और मैं उसको बताऊंगा कि ये सब पेज पढ़ के मुझे उसमें से 5 या 10 मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है या इसका पूरा जो विवरण है एकदम शॉर्टकट में बता दे, तो बता सकता है बहुत ही आसानी से और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। ये उसकी खासियत है। तो ये सब जो चीजें होती है वो एआई कर लेता है। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें सुनी रहेगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत ही सिंपल है, मैं बता दूं। गूगल में आप कुछ भी आपको चाहिए तो क्या सर्च करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट नियर बाय मी सर्च किया तो आपको रेस्टोरेंट आपके आजू बाजू में जो रहेगा वो दिखाता था गूगल में। सेम एआई में भी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं रहता, आपको बताना पड़ता है। जैसे कि मेरे को समझो, मैं बोल रहा हूं कि मैं एसी टेक्नीशियन नहीं हूं लेकिन मुझे एसी का ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, यानी उसको बताना कि आपको क्या चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ऐसे बहुत सारे मैंने फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखे कि हम लोग 99 रुपीज में ये पढ़ा रहे वो पढ़ा रहे, इतने फ्री टूल्स देखे, ये देखे वो देखे, फलाना ढिकना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। रोज जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको आज जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कुछ कुछ टूल्स जो कि फ्री में यूज कर सकते हैं, पेड वर्जन भी है उसके अंदर, ऑफकोर्स पेड कैसे काम करता है फ्री कैसे काम करता है सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल की शुरुआत कर लेते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहला जो मैं यूज करने वाला हूँ चैट जीपीटी। तो अगर आपको चैट जीपीटी में जाना है तो सिंपल गूगल में सर्च कर दो chatgpt.com, तो आपको ये चैट जीपीटी का जो साइट है वो मिल जाएगा। इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें अलग अलग वर्जन है। अभी जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो 3.5 वर्जन जो है वो कि टोटली फ्री है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेजेस, तो यहाँ पे आप ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब हम लोग जैसा चैट जीपीटी को बताएंगे वैसा वो काम करेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझो ये जो है ना पिन वाला हिस्सा, यहाँ से मैं एक इमेज लेता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे आर्डिनो कोर्स का जो इमेज है वो ले लिया, ठीक है। इस इमेज को मैं बताता हूँ कि एक्ट एज एन कॉपी राइटर। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया एक्ट एज एन कॉपी राइटर। मैंने चैट जीपीटी को बोला तू भाई कॉपी राइटर के जिसे बिहेव कर, और हमारा एक आर्डिनो फुल कोर्स है, कोर्स हिंदी लैंग्वेज में ऑनलाइन है और होता है हमारे एप्लीकेशन के जरिए, उसमें तू 25% डिस्काउंट दे, डिस्काउंट का स्पेलिंग गलत डाल दिया, 25% डिस्काउंट दे, ऑफर वैलिड फ्रॉम टुडे टिल टुमारो इवनिंग 9:30, और मेक हरी टू परचेज दिस कोर्स, ऐसा मैं एक लेख लिखना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अभी ये चैट जीपीटी करेगा क्या, ये एक्शन को रीड करेगा, ये फोटो को रीड करेगा, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे लिख रहा है वो, ठीक है। स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर, अनलॉक पोटेंशियल टू अवर आर्डिनो प्लस कोडिंग कोर्स, लर्न आर्डिनो प्रोग्रामिंग हिंदी कंपेरेटिव, मतलब ये देखो कितना शॉर्ट में एकदम स्वीट तरीके से डाल दिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से उसने पूरा इमेजेस मतलब कंटेंट जो है मुझे रेडी करके दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, खाली कॉपी करके आप लोगों को भेज दूंगा, पेस्ट हो जाएगा और मस्त काम हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो मैंने कंटेंट का बताया, एक को पायलट करके भी एक है, माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, ये भी बहुत भारी है, इसके ये भी फ्री है। अभी इसके अंदर मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, मैं है ना एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ, देखो चैट जीपीटी समझ में आया ना, वैसा ही ये है। यहाँ पे मैं आर्डिनो का ही एक फ़ोटो मैं अपलोड किया है, और मेक दिस इमेज मोर रियलिस्टिक लिखता हूँ, मोर रियलिस्टिक ऐसा मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये इमेज को रीड करेगा, इमेज रीड करने के बाद हम लोग ने जो रियलिस्टिक बताया है, एक्टिव मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट को कोर्स के बारे में समझाया हिंदी में आया, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो अपने आप से एक इमेज बना के देगा। देखते हमें इमेज बना के दे रहा है, कुछ सेकंड्स का समय ज़रूर लगेगा क्योंकि अभी ये अर्ली स्टेज पे है। ये देख आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे देखो उसने 4 इमेज का ऑप्शन अभी आ गया यहाँ पे, क्रिएटिंग इमेज द डिस्क्रिप्शन, ये जो है ना हमारा एंगेजिंग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ऐसा सब जो मैंने वर्ड्स यूज़ किया ना उसको बोलते प्रॉम्प्ट, ठीक है ना, उन्होंने प्रॉम्प्ट दिए है। तो यहाँ पे देखिए इसने इमेज बना के दे दिया, दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया इमेजेस है। ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, मैंने एक मतलब 4 इमेज का ऑप्शन दिया उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्डिनो फुल कोर्स ऐसा लिख कर आ रहा है, फुल का स्पेलिंग गलत है, वो मैंने वहाँ पे टाइप गलत किया रहेगा इससे। इसमें पिक्सलेट इमेज, वाटरमार्क इमेज, ब्लॉक पेंट, तो वैसे भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आर्ट डेकोरेट, ये देखो ये मैंने समझो ये वाली थीम ले ली, तो उसके हिसाब से देखो ये क्या होगा,
ये को पायलट है। हम लोग ने पहला जो देखा था चैट जीपीटी देखा था, को पायलट है। इसके अलावा बहुत सारे देखो, वाओ बहुत ही भारी ना। इस तरीके से देखो, यहाँ पे आ गया फुल फ्लैश कोर्स हिंदी आर्डिनो, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब ऐसा कुछ कोर्स का उसने बना के दे दिया। तो ये तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। अभी मैंने और एक वेबसाइट बताता हूँ, इस वेबसाइट की खासियत कैसे, ये भी क्लूड करके है, ये भी फ्री है, इसमें भी पेड वर्जन है। अभी समझो मैं एक लिखना चाहता हूँ, मेक डिस्क्रिप्शन फॉर माई यूट्यूब चैनल, ओके, ऐसा मैंने डाल दिया। अभी उसको मालूम नहीं है क्या है, कौन हूँ वगैरह, कैसा है मालूम नहीं। तो देखो यहाँ पे उसने, अच्छा मैंने लॉग इन किया इसलिए उसने देखो लिखा है, वेलकम टू निकेत शाह प्लस यू योर हब टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे इतने मतलब हर फ्राइडे को इतने वीडियो आते हैं, लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो सब आ गए, ऑल ट्यूटोरियल्स हिंदी ईजी। तो देखो उसने अपने आप सब बना के दे दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब अपने आप उसने डिज़ाइन करके दे दिया। तो ये होता है हमारा AI इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अभी थोड़ा सा आइडिया मिल गया है, आप खुद ये जितना ट्राई करोगे इतना जितना डीप जा सकते हो ना वो जा सकते हैं। मैं ना डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे दो जहाँ पे PPT बना सकते हैं, फिर आपका कुछ रिसर्च कर सकते हैं, एक्सेल का फॉर्मूला कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा, AI क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, मतलब जैसे कि AI जो है, AI का मेन लैंग्वेज रहता है पाइथन SQL, ये सब के प्रोग्रामिंग है, JavaScript है, हमारे पास प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे बहुत सारे कोर्सेज है। ये अगर कोर्सेज करना है तो मेरा WhatsApp नंबर है +point training, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे WhatsApp नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पर हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको WhatsApp के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, याद रखिएगा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।